أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. आवाज बुलंद गुरु शरीफ का नजराना पेश करें। اللهم صل على سيدنا وشفينا حبيبنا نبينا مولانا صلى الله عليه وسلم 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 आधे से पौन घंटे तक मेरी तकदीर होगी। 30 से 45 मिनट में बहुत सारी जरूरियात से आप फारिग हो सकते हैं। जब तकरीर की बारी आती है उसी वक्त लोगों को इस्तिंजे की हाजत होती है, चाहे वो एक नंबर हो चाहे दो नंबर हो, दोनों जरूरतें पूरी हो सकती है। ये जरूरी है आदमी अपनी जरूरतों से जाएगा जाना चाहिए, मगर एक साथ लोगों का जाना थोड़ा अजीब लगता है। एक वक्त था जब नबी के जलसे होते थे, सिर्फ लोगों के माइंड को थोड़ा फ्रेश करने के लिए नबी की नाक पढ़ी जाती थी, वरना रात भर सिर्फ तकरीरें होती थी। जलसों का मकसद भी यही है, खानी होती है, बीच में कहीं कहीं विज्ञापन के तौर पर लोग खतीब को पेश करते हैं। आप जैसे लोग सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं दीन क्या है, शरीयत क्या है, मुस्तफा का कानून क्या है। जरा सा पैसा आ जाएगा तो ऑल फॉल बकेंगे लोग। दीन की समझ होती मुस्तफा की शरीयत को जानता, तो सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की याचिका दायर नहीं की जाती। जिस आदमी को यह नहीं मालूम कि PIL होता क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये होता क्या है, कौन से लोग PIL सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, ये अथॉरिटी किसको है किसको नहीं है, यही वो खबीज जान लेता तो कभी इसकी जुगत नहीं करता। अब आप जैसे लोगों को सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मैं नहीं कहूंगा कि आप चाय मत पीजिए, चाय पीजिए। अंग्रेजों ने बहुत सारे जराइम किए, उस जुर्म में से ये भी एक जुर्म है जिसकी आदत हम सबों को लगा दी। अब हम यहां से कहें कि ए चाय वाला भाग जाओ, और जब स्टेज में चाय आती है तो सारे उलमा और शोरा ढकोच ढकोच के पीते हैं, और पब्लिक में चाय चली जाती है तो हमको खुजली होने लगती है। चाय पीने का जितना हमको हक है आपको भी उतना ही हक है।
आप तो अपने पैसे की पीते हैं ज्यादातर, हम ज्यादातर दूसरे लोगों की चाय पीते हैं। आपको तो ज्यादा पीने का हक है, पीनी चाहिए, मगर चाय सिर्फ और सिर्फ इस हैसियत से पिए कि जो नींद की गुनूदगी है वो खत्म होकर के चाय हमें फिर नबी के नाम सुनने के लिए बेदार कर दे। सुभान अल्लाह। अभी चंद बच्चे उस टीले पर बैठे हुए थे, मैं कुर्सी पर बैठा नहीं जैसे कि जोकर आ गया था, उठकर चल दिए। कुछ लोग सामने से भी उठकर गए। साहब क्या जरूरत है तकरीर सुनने की, तकरीर यूट्यूब में भी सुन लेंगे। तकरीर यूट्यूब में सुनी जा सकती है, मगर हुजूर ने जो फरमाया है कि जो आलिम का चेहरा मोहब्बत से देखता था खुदा उसे तस्वीर की आता फरमाता। यूट्यूब में जो तस्वीरें देखी जाएंगी उसको देखने से सवाब नहीं मिलता। अगर यूट्यूब में सारी चीजों पर आदमी भरोसा कर ले तो रमजान में तरावी के लिए क्यों आप इस तलाश करते हैं। लाउड स्पीकर में कुरान की तिलावत लगा दी जाए, तरावी की भी रिकॉर्डिंग बजती है। मक्का और मदीना में जो तरावी होती है उसकी पूरी रिकॉर्ड होती है, पूरी रिकॉर्डिंग उसकी मौजूद है। आप उसके हरकात सकनात से अपने हरकतें नहीं बदल सकते, आपकी नमाज टूट जाएगी, आपकी नमाज खराब हो जाएगी। जिन चीजों की जो हद है उसको उसी हद में रखना चाहिए। यूट्यूब देखिए, मगर यूट्यूब में अगर आप तकरीरें सुनते हैं, नबी की नात सुनते हैं तो ये अच्छी आदत है, गलत नहीं है, मगर वहां अगर शौक लेकर के सुनते हैं तो यहाँ कोई मुजरा नहीं ना किया जा रहा है, यहाँ भी नबी की नात ही पढ़ी जा रही है। अगर YouTube में इतनी दिलचस्पी है तो फिर यहाँ वो दिलचस्पी क्यों नहीं होगी। सुभान अल्लाह, क्या बात। शायर जो बोलता है नज्म में वो भी नबी की नात है, खतीब जो बोलता है नसर में ये भी नबी की नात है। अगर आपको ऐसा लगता है कि शमीम दाना जो पढ़ रहे थे वो नबी की नात है, मेरे बाप बाबू गुलाम मोहम्मद फैजी पढ़ेंगे वो नबी की नात है, मैं जो बोल रहा हूं फिर ये क्या किया, नबी की नात, ये भी नबी की नात है। अगर आप उस नात को सुनेंगे, इस नात को नहीं सुनेंगे तो इसका मतलब है कि आप नात के दीवाने नहीं, तरन्नुम के दीवाने हैं आप, नगमगी के दीवाने हैं आप, और नगमगी की दीवानगी अच्छी नहीं है। दीवानगी असल में वो दीवानगी होती जो मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत की दीवानगी होती। सुभान अल्लाह। इस दीवानगी पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का आप पर फजल होगा। मजमा आप यहां से बैठ करके हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग इस चीज को महसूस कर रहे हैं। नबी की महफिलों में बैठने का ढंग अगर हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा, हमको नहीं पता होगा किसको पता होगा। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठने का सलीका, रसूल दीवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठने का शऊर सबसे ज्यादा उन लोगों को होना चाहिए जो मुस्तफा की महफिलों का इनेकार करने वाले लोग हैं। हम बोलते हैं, देवबंदी को गालियां देते हैं, उसको बुरा भला बोलते हैं, वो बुरे हैं, मगर वो अपने जलसों में तब जाते हैं जब दुआ का वक्त होता है। वो अपनी महफिलों में तब जाते हैं जब दुआ की कबूलियत की घड़ी होती है। हमें इन बातों का एहसास होना चाहिए कि रसूल दीवकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आने वाले लोगों को ये किसने समझा दिया कि थोड़ी देर महफिल रसूल में बैठना, उसके बाद उठ करके चल देना, नर्म और गदीले बिस्तर हमारे लिए मुंतजर है। वो तो सारे लोगों के लिए मुंतजर रहते हैं, परसनी के लोगों को जलसे रसूल में बैठने का शऊर नहीं सिखाया जा सकता। रसूल दीवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के महफिल में बैठने का जो जुर है और जो तरीका है वो आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे लोग हैं, आप जानते हैं। यही वजह है कि आपने खतीब का इंतखाब फरमाया, उलमाए ने सुन्नत तशरीफ फरमा, इन तमाम उलमा का शुक्रगुजार हूं मैं।
मुझे इनकी तवज्जो बिल्कुल नहीं चाहिए, तवज्जो आपकी चाहिए। मैं जो बोलने वाला हूँ ये जानते हैं पहले से, इनको जरूरत नहीं तकरीर की, तकरीर की जरूरत आपको है। तकरीर इसलिए नहीं की जाती है कि दो चार नारे लग जाए हमको लगे कि मेरा मेरी तकरीर कामयाब हो गई। अगर इस लिहाज से अगर कोई तकरीर करता है तो वो तकरीर सिर्फ नालों की नजर हो जाती है, और अगर कोई इस ख्याल से तकरीर करता है कि इस तकरीर से लोगों को कुछ फायदा होगा, लोग कुछ सीखेंगे। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हजरत शेख सिद्दीक़ सिफ़ती के मुरीद थे और उनके भांजे भी खलीफा भी, हजरत जुनैद बगदादी कभी तकरीर नहीं करना चाहते थे। हजरत शेख सिद्दीक़ सिफ़ती फरमाते जुनैद तकरीर क्यों नहीं करता, हजरत जुनैद बगदादी फरमाते मुझे तकरीर नहीं करना, मैं नहीं करना चाहता। हजरत शेख सिद्दीक़ सिफ़ती फरमाते हैं तकरीर करना आवाम के अंदर इस्लाह की जो सबसे अच्छी दवा है वो तकरीर है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। आवाम की इस्लाह के लिए जो सबसे अच्छी गजा, जो सबसे अच्छी दवा वो तकरीर है। हजरत जुनैद बगदादी फिर भी तकरीर करने के लिए अपने आप को आमादा नहीं कर पाए। हजरत जुनैद बगदादी रात को सोए, आंख लगी, मुस्तफा का दीदार हुआ ख्वाब में। जोर से बोलो, नबी को ख्वाब में देखा, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। तो जो चौक नबी ये कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, जागे नबी ये कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर के कहा जुनैद तकरीर क्यों नहीं करता है, तकरीर करना। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जुनैद तकरीर क्यों नहीं करता है, तकरीर करना। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंख खुली, नबी ये कौन है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये खुदा। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुबह को बेदार हुए, फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गए, सुन्नत पढ़ रहे हैं। सुन्नत पढ़ने के दरमियान आपके दिल में ख्याल आया कि मैंने आज मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार किया, मैं जिस पीर का मुरीद हूं पता नहीं उस पीर ने कभी अपने उस पीर ने कभी मुस्तफा के चेहरे की ज़ियारत की होगी कि नहीं, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे तकबे को पसंद फरमा लिया, खुदा ने मेरे सजदे का सिलेक्शन फरमा लिया। यही वजह है कि नबी ये कौन है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ फरमा हुए। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर की नमाज में है, जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ने के दरमियान यही सोच रहे हैं, नमाज मुकम्मल हुई, हजरत शेख सिद्दीक़ सिफ़ती फरमाते जुनैद करीब आ। हजरत जुनैद बगदादी करीब गए, कहा लाडले और करीब आ, और करीब गए, कहा लाडले और करीब आ, और करीब आ। इतने करीब हुए, इतने करीब हुए कि हजरत शेख सिद्दीक़ सिफ़ती के ज़ानू और हजरत जुनैद बगदादी के ज़ानू करीब हो गए। हजरत शेख सिद्दीक़ सिफ़ती रज़ी अल्लाह तआला मुस्कुराते फरमाते हैं जुनैद अब तकरीर करोगे ना, अब तकरीर करोगे ना। जुनैद बगदादी फरमाते हैं मेरे आका मैंने समझा नहीं, कहा अब तकरीर करोगे ना, कहा अभी नहीं समझा, कहा अभी नहीं समझा। हजरत शेख सिद्दीक़ सिफ़ती फरमाते हैं कल मैंने ख्वाब में खुदा का दीदार किया और मैंने अपने परवरदिगार से कहा मौला मेरा एक ही मुरीद है, एक ही खलीफा है, मगर वो तकरीर नहीं करना चाहता है। कभी तेरे हबीब का गुजर इस रास्ते से हो तो मुस्तफा से कह दे कि मेरे मुरीद को नसीहत करता हुआ चला जाए। हजरत जुनैद बगदादी कदमों को बोसा देकर फरमाते हैं अपने आका से कहा हुजूर मैंने जो नबी का दीदार किया मुझे लगा कि मेरी इबादत का कमाल है, मगर ये इबादत का नहीं, ये मेरे दिल की दुआ है। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। तकरीर सुनेंगे आप लोग, सुनेंगे जी, जितने लोग सुनेंगे जरा करीब आ जाए, करीब आए उसे लेकर आप आगे लेकर के करीब आए, करीब इधर वाले भैया
तकदीर तो ऐसी करूंगा। आ जाइए आ जाइए, करीब आ जाइए मेरे भाई लोग। आप लोग कुर्सी लेके नीचे आ जाइए, सामने सट के बैठ जाए, सट के बैठ जाए। आ जाए आ जाए, लेके हाथों में दी का आलम बढ़ जाओ। गौस के नाम पर बस 11 कदम बढ़ जाओ, सादा ने बस 11 कदम गौस के नाम पर। मेरे बुलाने से अगर आप आ जाते हैं और इसमें आपकी इज्जत घटती है तो ये नबी की महफिल है। नबी की महफिल में अपने इमेज को मत देखिए, यहाँ इज्जत मत देखिए। अगर यहाँ इज्जत घट जाएगी तो कयामत के दिन मुस्तफा इज्जत अता फरमा देंगे। बेशक इस हौसले के साथ नबी की महफिल में आदमी बैठे। नबी ये कौन है सल्लल्लाहु तआला और थोड़ा सा टेबल बनाई रसूल दीपकार सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की महफिल में आप तशरीफ रखते हैं। ये तमाम के तमाम तर उलमा अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाम उलमा का मैं शुक्रगुजार हूं। ये तमाम उलमा तशरीफ फरमा है, इन्हें मेरी तबीयत तकरीर की जरूरत नहीं है, मेरी तकरीर की जरूरत आपको है, खिताब की जरूरत आपको है। मैं जो चीजें बोलने वाला हूँ ये सारी चीजें जानते हैं, मगर उसके बावजूद अगर ये मेरी गुफ्तगू को सुन रहे हैं। अभी मुझसे पेशकर आपने अल्लामा अब्बास रज़ी साहब के अल्लामा रज़ीलहु नूरानी को बड़े अच्छे अंदाज में आपने सुना, आयत मुबारका की उन्होंने तिलावत की, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, बड़ी अच्छी आयत, बड़ा अच्छा लगा। कुरान की हर आयत अच्छी है। हमारे उलमा को चाहिए कि अलग अलग आयत के उन्वान बनाकर आदमी खिताब करे ताकि लोगों के दिलो दिमाग में बात बैठे। चंद आयतों को लोग अपनी तकरीर का उन्वान बनाते हैं, या फिर चंद आयतों को ही लोग अपनी तकरीर का उन्वान बनाते हैं। यह पूरा कुरान उम्मत मोहम्मद की हिदायत के लिए है, ये पूरे कुरान जिस आयत को कोट करके आदमी बोलना चाहेगा लोगों के लिए मिसाले राह होगी। कुरान की हर आयत से लोगों की इस्लाह की जा सकती है। कुरान की कोई पहलू मेरे पैगंबर रसूल अली सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जब इस कुरान का नुज़ूल होने लगा, नबी ये कुरान बार बार उस आयत को पढ़ते थे। खुदा ने फरमाया मेरे महबूब बार बार अपनी जबान को तकलीफ में क्यों लाते हैं, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही इन्ना अलैका जमअहु कुरान। ए मुस्तफा आपको बार बार तकलीफ में डालने की अपने आप को जरूरत नहीं है, इस कुरान को हमने नाजिल किया है तो आपके सीने में भी महफूज हम ही करने वाले हैं। इन्ना अलैका जमअहु कुरान, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान इस कदर महफूज फरमाया मुस्तफा के सीने में, इस कदर महफूज फरमाया, ऐसा महफूज फरमाया। मुस्तफा तो मुस्तफा है, मुस्तफा की शरीयत का कलमा पढ़ने वाला एक छोटा सा बच्चा जो 10 साल का है वो भी अपने सीने में पूरे कुरान को उतार लेता है। खुदा फरमाता है इन्ना अर्दना अमानत अला समावाती वल अर्ध व जिबाल फअबैन अन यहमिलनह व अस्तखरजना मिनहा बहरमल अलमस। मैंने इस कुरान को पहाड़ों को पेश किया, जमीन को पेश किया, मैंने इस कुरान को आसमानों को पेश किया, मगर सबने इसकी रोब इसके रोब और दबदबे की वजह से कुरान का बोझ संभालने से इनकार कर दिया, मगर इंसान का छोटा बच्चा अपने सीने में कुरान लेकर के सामने चलता है, कुरान को सीने में लेकर चलता है। मैं कहता हूँ वसीम गिजवी से, ऐ जालिम तुमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी कि कुरान की 26 आयतें निकाल दी जाए। मैं कहता हूँ कुरान की 26 आयतें कुरान कोई लॉ है क्या? कुरान पार्लियामेंट में बैठ करके यह कानून बना है क्या? संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया भारत का संविधान जिसमें 345 आर्टिकल है, ये समाज के तमाम आर्टिकल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरी दुनिया के संविधान को छान मारने के बाद, पूरी दुनिया के संविधान को कलेक्ट करने के बाद एक जगह पर तमाम संविधान के उन तमाम आर्टिकल को जमा किया। भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 345 से ज्यादा आर्टिकल है, वो आर्टिकल उसकी मंजूरी तब नहीं जब पार्लियामेंट में लोग बैठे, जो पार्लियामेंट के मेंबर है, पार्लियामेंट के बैठने वाले बैठकर बनाए जाने वाले कानून, ये भारत का संविधान, इसमें रोज अमेंडमेंट होते रहते हैं, इसमें हर साल कभी न कभी संशोधन होता रहता है, यानी ये कानून इस
इसमें एक दूसरा कानून जुड़ेगा, उसमें तीसरा जुड़ेगा, उसमें ऐड होता जाएगा। इसलिए कि ये इंसानों का बनाया हुआ कानून है, मगर कुरान मुकद्दस वो किताब है। आज से 1400 वर्ष पहले मुस्तफा पर जिस हैयत में कुरान नाज़िल हुआ था, उसी हैयत में आज भी है। अगर रमजान मुबारक के मौके पे कोई हाफिज कुरान तरावी करा रहा है, तरावी पढ़ाते वक्त पीछे कर दे, पीछे से लुक्मा दे दिया जाता है, नहीं नहीं, जो कुरान आप पढ़ रहे हैं ये गलत है। मुस्तफा के ऊपर जो कुरान नाज़िल हुआ था, उस कुरान की तरतीब ये है। मैं कहता हूँ पार्लियामेंट का कानून वो बदल सकता है, मगर खुदा का कुरान नहीं है। Constitution of India is the best among all constitution of the world. World के तमाम संविधानों में सबसे अच्छा कानून, सबसे अच्छा संविधान भारत का संविधान है। मैं कहता हूँ भारत के संविधान में संशोधन होते रहते हैं, भारत के संविधान में चेंजिंग होती रहती है, मगर आज तक कोई नुमाय बयान बता दे कि कुरान के एक हर्फ में तब्दीली हुई। कुरान तो दूर की बात है, हजरत बिलाल ने जिस आजान को राइट किया मुस्तफा के कहने पर, आज तक कोई मां का लाल उस आजाद को नहीं बदल सका है। कोई लफ्ज हटा कर दिखा दे, मैं कहता हूँ जब आजाद का लफ्ज नहीं बदला जा सकता है तो कुरान कैसे बदला जाएगा? कुरान को बदले दो, किसमें इतनी हिम्मत है? हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला ने हाफिज नहीं थे, उनका बेटा हाफिज कुरान बन करके आया। जब बेटा हाफिज कुरान बन करके आया, हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर मैं हाफिज कुरान बन गया। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, और हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये खुशखबरी जाकर दादा को सुना दे, दादा को बता दे कि तू हाफिज कुरान बन गया। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह के लाडले उनके बेटे गए दादा के पास, कहा दादा जान मैं हाफिज कुरान बन करके आ गया। दादा का जवाब सुनो, दादा ने कहा अगर तू हाफिज कुरान बन गया तो खुशी तो तेरे बाप को होनी चाहिए, कयामत के दिन दाज तेरे बाप के सर पर रखा जाएगा, मेरे सर पर नहीं। मुझे तो तब खुशी होती जब मेरा बेटा हाफिज कुरान बन था, कयामत के दिन मेरे सर पर ताज रखा जाता। जब पोता आया लौट कर, बाप ने पूछा क्या कहा दादा ने? बेटे ने कहा दादा ने ये कहा, हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला ने कसम खाते हैं फरमाते हैं, आज के बाद मैं तब तक अपने बाप को चेहरा नहीं दिखाऊंगा जब तक मैं खुद हाफिज कुरान बन जाऊंगा। जब तक मैं हाफिज कुरान नहीं बनूंगा अपने बाप को चेहरा नहीं दिखाऊंगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कुरान की तिलावतें शुरू कर दी, याद करना शुरू कर दिया, पूरे कुरान को सीने में महफूज कर लिया। दिल्ली शहर में, दिल्ली के जामे मस्जिद में ढिंढोरा पीट दिया गया, नक्कारे बजा दिए गए, ढोल बजा दिया गया, रमजान शरीफ का चांद नजर आ गया। सुबह सुबह दिल्ली के जामे मस्जिद में कोई दूसरा हाफिज कुरान हाफिज कुरान तरावी सुनाता था, मगर इस साल रमजान के महीने में दिल्ली का सुल्तान रमजान में तरावी पढ़ाएगा, इलाहाबाद से चले दिल्ली पहुंचे के रमजान के महीने का चांद नजर आ गया, इरादा कर लिया कि अब रमजान पूरा यही गुजारेंगे, दिल्ली के जामे मस्जिद में तरावी पढ़ेंगे, पूरे एक महीने का रोजा यही रखेंगे। हमारी और आपकी तरह वो लोग नहीं थे कि दो रोजा यहाँ रखा, चार तरावी वहां पढ़ी, पांच तरावी वहां पढ़ी, दो रकात तरावी यहाँ पढ़ी, चार जगह किसी दूसरी मस्जिद में जाकर पढ़ी। ये तरावी के साथ तलवार है, यहाँ दो रकात पढ़ी, वहां पर पहुंचते पहुंचते चार रकात निकल गई, वहां जाकर क्या पढ़ेंगे? तरावी की नमाज 20 रकात है, यहाँ दो पानी की तिलावत सुनी, दूसरी मस्जिद में चले गए, वहां चार रकात के चार तरावी की तिलावत हो चुकी है, पांचवे और छठे पारे में आप शरीफ हुए। ये आदमी कुरान मुकद्दस का जौक लेकर के सफर नहीं करता, हजरत अल्लामा अब्दुल कादिर इलाहाबादी रहमतुल्लाह तआला ने इस इरादे के साथ दिल्ली में रुक गए, अब पूरी तरावी यही पढ़नी है, रमजान के महीने का रोजा रख करके यही पे ईद
के नमाज पढ़नी है उसके बाद जाएंगे दिल्ली के जामे मस्जिद में शान साहब आराम से आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह तरावी की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए। एक दिन गुजर गया, दो दिन गुजर गए, तीन दिन गुजर गए, तकरीबन पांच से सात दिन गुजर गए। तब तक आप 16 या 19 में पानी के बीच में पहुंच गए। पीछे से हजरत अल्लामा अब्दुल कादिर इलाहाबादी ने लुक्मा दिया, शान साहब आराम से लुक्मा नहीं लिया, फिर से लुक्मा दिया, आपने लुक्मा नहीं लिया, तीसरी बार लुक्मा दिया, आपने लुक्मा लिया। नमाज मुकम्मल हुई, नमाज मुकम्मल होने के बाद आप हसन में आते हैं, जलाल में आते हैं। किसके ये जुर्रत हुई, संशय और ये लुक्मा देने की हिम्मत किसने हुई, किसके मुझे टोका? हजरत अब्दुल कादिर इलाहाबादी खड़े होते हैं, कहा मैंने लुक्मा दिया है, कहा मैंने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है, फिर तुमने लुक्मा क्यों दिया? कहा लाया जाए नुस्खा, कुरान मुकद्दस के नुस्खे को लाया गया, संशय और वही किताब में लिखा हुआ था। हजरत अब्दुल कादिर पर गुस्सा होते हैं, हजरत अल्लामा अब्दुल कादिर इलाहाबादी फरमाते हैं नहीं नहीं, ये जो नुस्खा आपने लिया है इस नुस्खे में गलत है, इसको तो आपने नकल किया है, दूसरा नुस्खा मंगाया जाए, दूसरा नुस्खा मंगाया जाए। उसमें देखा तो वही लिखा हुआ था। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला ने जलाल में आते हैं कहा आपने गलत हुक्म दिया। शहंशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला के जलाल को देखने के बाद अल्लामा अब्दुल कादिर इलाहाबादी शहंशाह औरंगजेब के सर पर हाथ रखते हैं, फरमाते हैं औरंगजेब तू इस नुस्खे की बात करता है, मैं तो लोहे महफूज पर जो कुरान लिखा है मैं उसकी बात करता हूँ। शहंशाह औरंगजेब ने जब नजर उठा कर देखी, देखा तो जो अल्लामा अब्दुल कादिर इलाहाबादी फरमा रहे थे वही लोहे महफूज में लिखा हुआ था। मैं कहता हूँ मेरे पैगंबर की उम्मत की निगाहों का यह कमाल है कि दुनिया का कुरान तो अलग बात है, लोहे महफूज पर जो कुरान है उसको नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अजमत कुरान। The reef that flight of Lohi Mahfuz living on this land, ये जमीन में बैठकर लोहे महफूज की इबादत को पढ़ा करते हैं ये लोग हैं जो मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले। तुम्हें लगता है कि ये नुस्खा बिठा देने से लगा कर पाबंदी, कुरान मुकद्दस का जो मुसहफ हमारे पास है इस मुसहफ को लगा दे पाबंदी? मैं कहता हूँ सिर्फ कुरान पे क्यों, दुनिया की तमाम किताबों को एक जगह में जमा कर दे, दिल्ली की चौक पे, दिल्ली की सड़कों पर जमा करके आग लगा दे, चाहे गीता हो, पुराण हो, रामायण हो, सीता हो, चाहे दुनिया की कोई किताब हो, बाइबल हो, कुरान हो, इन तमाम किताबों को दिल्ली के चौक पर आग लगा दी जाए या फिर समंदर में फेंक दिया जाए। 25 साल छोड़ दो, 30 साल छोड़ दो, 50 साल छोड़ दो, उसके बाद तमाम धर्म गुरुओं को बुलाओ, कहो कि लाओ अपनी किताब लो, मेरा चैलेंज है दुनिया की कोई किताब नहीं आ पाएगी, मगर मुसलमान के घर में ज़कात की रकम खाने वाला एक छोटा सा बच्चा कुरान लेकर के आगे बढ़ेगा, कहा वो कुरान मिट गया मगर सीने में जो कुरान है उसे कौन मिटाएगा? मजहब इस्लाम अल्लामा शाहबुद्दीन सकाफी साहब चला, नारे तकबीर, क्या बात है भाई, The reed, the writing of Lohi Mahfuz, living on this land, जो अल्लाह के वली होते हैं जमीन में बैठ कर लोहे महफूज की इबारत को पढ़ा करते हैं। मैं कहता हूँ उसकी क्या हैसियत है, उसने PIL दायर कर दिया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को का याचिका दायर कर दिया उसने सुप्रीम कोर्ट में। क्या है PIL की प्रोसीजिंग, उसका प्रोसीजर क्या है, उसको पढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, किस तरह जजमेंट आए हैं PIL के हवाले से, उसमें सबसे पहला टर्म एंड कंडीशन ये है कि जो PIL की याचिका दायर करता है उसका कैरेक्टर साफ होना चाहिए, उसका कैरेक्टर साफ और शफाफ होना चाहिए। वो वसीम रजवी जिसने जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा था, लेटर में क्या लिखा था वो क्या बोलता है, कहा हिंदुस्तान में जितने
करीब मदरसे हैं, इन तमाम मदरसों में SIS की तालीम दी जाती है, यानी दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है, आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। 8 जनवरी को भारत सरकार के बीजेपी के मंत्री कृष्ण रेड्डी ने उसके मुंह पर तमाचा मारा। वो बीजेपी है, वो आरएसएस का है, वो आरएसएस का बीजेपी का गृह राज्य मंत्री वो कृष्ण रेड्डी बोलता है कि हिंदुस्तान में जो टेररिज्म है, हिंदुस्तान में जो दहशतगर्दी है, वो होमग्रोन नहीं है, ये बाहर से आए हुए दहशतगर्दी है। अगर बाहर से आए हुए दहशतगर्दी है तो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को दहशतगर्दी कौन बोल रहा है? हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वाले लोगों को आतंकवाद है? इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में पढ़ाए जाने वाले जो मदरसे में पढ़ाते या जो मदरसे में पढ़ते दहशतगर्द वो नहीं है। सबसे बड़ा दहशतगर्द वो मसीह कबीर है, जो सैयद कबीर है, जिसने बाप को कई नुकसान है, माँ एक है तो क्या हुआ, कई बाप के नुकसे से पैदा होने वाला वो मसीह नबी। कुरान मुकद्दस की आयत बोलती है मुगीना बिन शोबा के हवाले से, नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों की वजह से, नबी की शान में गुस्ताखी की वजह से वो हरामी हो सकता है, तो जो खुदा की शान में गुस्ताखी करेगा वो हरामी कैसे होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अजमते कुरान, नारे तकबीर। वसीम खब्बीस पे लानत हो, आप बोलिएगा लानत हो, लानत हो वसीम खब्बीस पे, लानत हो। कुरान इज द बेस्ट रिवर फ्रॉम ऑलमाइटी अल्लाह फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। कुरान अल्लाह रब इज्जत का बेहतरीन तोहफा है। मैं अपने नर्म और गदीले बिस्तर पर सो जा रहा हूँ, एक आदमी न्यूज चैनल के सामने, मीडिया के सामने इस्लाम के खिलाफ जहर उगलेगा, जहर की बात करेगा, जहरीली फिजाओं में रह करके इस्लाम के खिलाफ बोलता रहेगा। मैं अपने नर्म और गदीले के बिस्तर पर सो जा रहा हूँ, मुझे चैन की नींद कैसे आती है, मैं कैसे सुकून से बैठा हूँ अपने घर में, मुझे क्यों नहीं मौत आ जाती है? इन सारे चुनौतियों को सुनने के बाद मुस्तफा जावेद अहमद का कलमा पढ़ा, हमने क्या कहा मुस्तफा जावेद अहमद के हवाले से? एक आदमी इस्लाम के खिलाफ जहर उगल रहा है, मैं यहाँ बैठ करके अगर मैं वसीम रिजवी के बारे में बोलूंगा सोशल मीडिया में छा जाएगा वो जालिम, रातों रात हीरो बन जाएगा। सिर्फ यहाँ बैठ कर गला फाड़ने से कुछ नहीं होगा, हर एक आदमी को चाहिए, हर एक आदमी को चाहिए अपने इलाके से बाहर निकले, करीब के थाने में जो संविधान आपको राइट देता है, करीब के थाने में उसके नाम से FIR दर्ज होनी चाहिए, इतने केस उसके नाम से हो जाए, इतना मुकदमा उसके नाम से दर्ज हो जाए। वो जालिम खबीस सोचे कुरान के खिलाफ बोलने की सजा जब हिंदुस्तान में इतनी कड़ी है तो दौलत की सजा कितनी खतरनाक हो गया। आज से बहुत पहले डॉक्टर जॉन ने कहा था, वो बोलता है आफ्टर 5 इयर्स ऑफ रिसर्च आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट मुस्लिम्स हैव अ ग्रेटर लव, मुस्लिम्स हैव अ ग्रेटर लव फॉर देयर मेनी देन देयर रीजन ऑफ इस्लाम। वो बोलता है मैंने 5 साल तक मुसलमानों की रिसर्च के हालत पर रिसर्च किया, मुसलमानों पर इन्वेस्टिगेशन किया, 5 साल रिसर्च करने के बाद, 5 साल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुसलमान अपनी गर्दन तो कटा सकता है मगर नबी की शान में गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये कौन बोलता है? कलमा पढ़ने वाला नहीं, जो कलमा नहीं पढ़ता है वो बोलता है मुसलमान काबे से मोहब्बत बाद में करता है, पहले मोहब्बत मुस्तफा से करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा शाहबुद्दीन सकाबी साहब क़िबला, जिंदाबाद बहुत जबरदस्त, जिंदाबाद जिंदाबाद। मदरसों में दहशतगर्दी की तालीम दी जाएगी, मदरसों में महदूद मदरसों को दहशतगर्दी का अड्डा तुमने कहा, PIL की याचिका दायर करने वाले का कैरेक्टर साफ होना चाहिए। इस जालिम इस खबीस की हकीकत क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने 8 जनवरी को, उसने जनवरी 2019 में ये स्टेटमेंट दिया, भारत सरकार को प्रधानमंत्री को लेटर लिखा कि मदरसे बंद होने चाहिए, मदरसे बंद होने चाहिए। उसका जवाब कृष्ण रेड्डी ने दिया 2019 में, उसी जालिम ने कहा था अगर मोदी हार गया तो मैं अयोध्या की धरती
लेकिन अपनी जान दे दूंगा। राम मंदिर जहां बनाया जाएगा वहां मैं अपनी जान दे दूंगा। उसने राम को धमकी दी थी, कहा राम मंदिर बनना चाहिए, ये वो जालिम है, तू इसे मुसलमान कर डालता है, ये मुसलमान नहीं है, मुसलमान के नाम पर कलंक का टीका है। ये शिया को तो पहले ही हमारे आले सुन्नत वल जमात ने इस्लाम से खारिज बता दिया इस फिरके को ही, अब तो इसे शिया फिरके के उलमा भी इसे काफी कह रहे हैं। ये वो जालिम है, ये वो जालिम है जिसने जनवरी 2019 में प्रियंका गांधी के ऊपर गलत सलत बयान दिए थे, उसके सेक्स के हवाले से तो चार रिमांड किया था, जिसकी वजह से चार केसेस इस आदमी पर बुक हुए। ये वो आदमी है जिस पर आंध्र प्रदेश से और यूपी की धरती से तकरीबन 2500 केस इस पर हुए हैं, इसलिए वक्त वोट की प्रॉपर्टी को, वक्त वोट की जमीनों को बेचने के, इलीगल बेचने और इलीगल खरीदने पर इस पर केसेस है। यानी जिसका कैरेक्टर सर से लेकर पांव तक, जिसका कैरेक्टर दागदार हो, वो इस्लाम पर उंगली उठाएगा, वो कुरान पर उंगली उठाएगा। जिस बीजेपी का फलवा बना हुआ है, जिस आरएसएस का तलाक बना हुआ है, उस बीजेपी गवर्नमेंट का क्या करना है? योगी आदित्यनाथ ने, सुनिएगा, योगी आदित्यनाथ ने इसी वसीम रजवी के ताल्लुक से सीबीआई की टीम बिठाया, कहा इसके घर की तलाशी लो, भारत सरकार ने अनुमति दी और उस पर रेप की अनुमति दी। ये जालिम सीबीआई रेप से बचने के लिए, अपने केस को हल्का करने के लिए इसका तलाक और फलवा गिरी कर रहा है। चलो इस्लाम के खिलाफ बोल दो, ताकि ये लोग जान लें कि हम तुम्हारे भाई हैं। मैं तो इस्लाम के खिलाफ बोलता हूँ, मैं कहता हूँ सारी इस्लाम कभी दहशतगर्दी का अड्डा नहीं बन सकता है। तुमने नहीं देखा एक सफर में मुस्तफा है, साथ में हजरत आयशा है, जिस ऊंटनी पर हजरत आयशा सवार है वो ऊंटनी सुस्त रफ्तार है, धीमी चाल है उसकी, हजरत आयशा के हाथ में छड़ी है, हजरत आयशा अपनी छड़ी से उस ऊंटनी को मारती है। नबी कौले फरमाते हैं, ए आयशा छड़ी को रोक ले, क्यों ऊंटनी को मारती है? नबी कौले की बीवी हम तमाम मोमिनों की माँ हजरत आयशा फरमाती है, ए अल्लाह के रसूल ये तेज नहीं चलती है। नबी फरमाते हैं तेज नहीं चलती है तो तू मारे भी उसको, उसे भी दर्द होता है, उसे भी तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ जो पैगंबर जानवर के दर्द को महसूस कर सकता है, वो पैगंबर दुनिया के लोगों को दर्द खत्म करने की इजाजत कैसे देगा? वो दुनिया के लोगों को अल्लाह की तालीम कैसे देगा? मैं कहता हूँ पूरी दुनिया की तालीम और मेरे पैगंबर की तालीम एक है, दुनिया के तमाम तालीमात पे मेरे पैगंबर की तालीम का गोशा भाग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, तालीमात मुस्तफा, सुन्नत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा शाहबुद्दीन सकाफी साहब क़िबला। बहुत जबरदस्त बात, जिंदाबाद है। आप सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और दो से कहें या हबीब अल्लाह। ला यहिब्बुल्लाहु जहरा बिसूई मिनल कौल इल्ला मन ज़लिम। हमें आवाज बुलंद करने पर पाबंदी नहीं है, खुदा फरमाता है ला यहिब्बुल्लाहु जहरा बिसूई, जो बुराई की आवाज को बुलंद करता है खुदा उसे नापसंद फरमाता है। पहले याचिका दायर कर दी, उसके बाद वीडियो बनाकर अपनी सफाई देता है, लोग मुझे गालियां देते हैं, लोग मुझे इनाम देंगे मेरे कत्ल पर, जिन लोगों ने मुझे कत्ल पर उसके सर लाने पर इनाम रखा है मैं उसके चेहरे पर थूक रहा हूँ, उसका सर इस काबिल है क्या कि उसका सर लाने पर इनाम दिया जाए? वो कीड़े मकोड़े की मौत मरने वाला आदमी उसके कत्ल पर क्यों इनाम रखा जा रहा है? उसकी क्या हैसियत है? उसकी कोई हैसियत नहीं है। कुरान मुकद्दस जब नाज़िल हो रही थी ये किताब, उस वक्त अरब की दुनिया का इब्न मुकफ्फा नाम का एक आदमी जो जुहाफिया और हदीद के साथ बातें करता था, जुमले को सजा सजा कर बात करता था, मगर जब कुरान का नुज़ूल हुआ वो आदमी कोने में बंद हो गया। लोगों ने पूछा इब्न मुकफ्फा से, इब्न मुकफ्फा क्या जमीन तक कोने में दाखिल हो गया, बाहर क्यों नहीं निकलता, बोलता क्यों नहीं है? इब्न मुकफ्फा बोलता है जिस शहर में कुरान की तिलावत की जा रही हो वहां मेरी क्या जरूरत है, मेरी तमाम शायरी कुरान की आयत के सामने फीकी पड़ जाती है, वो है मेरा कुरान, खुदूह फगुल्लूह तुम जाई और सल्लो तुम की सिलसिले से जर उड़ा सबून दिरान फसल को, ये हमारा कुरान है। इस कुरान को मिटाए जाने की बात होगी, मुसलमान घर में बैठ कर बिरयानी तोड़ेगा, मुसलमान घर में बैठ कर के मुर्दे का
का राग खाएगा, शर्म नहीं आती है, सिर्फ खाने पीने के लिए जिंदा है। हमारी जिम्मेदारी क्या है, ये एहसास कौन करेगा? हमने हमारे लिए जिम्मेदारी क्या है, इसके बारे में कौन सोचेगा? अगर तुम्हारा काम सिर्फ खाना पीना और लेटरिन जाना है, ये काम तो जानवर भी करता है, जानवर भी खाता है पीता है और लोग रास्ते में सड़क चौराहे पे जहाँ जाता है टट्टियां करता है, फिर तुमने उसमें क्या फर्क है? जानवर खाएगा पिएगा टट्टियां करेगा मगर मुसलमान खाएगा पिएगा। खुदा की दीनी खुदा से जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी की वजह से भेजे हुए ताकत आएगी, उस ताकत के इस्तेमाल करके वो इस्लाम के बारे में सोचेगा, कुरान के बारे में सोचेगा, मुस्तफा की सुन्नत के बारे में सोचेगा। जो आदमी मुस्तफा का नंबर वन बन जाता है, खुदा ऐसे लोगों पर जालिम बादशाह मुसल्लत करता है। क्या बात है भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम, अल्लामा शाहकुत्तीन सकाफी साहब कुल्ला, बहुत अच्छा मजा। 7 मिनट की गुफ्तगु मुलाहिज़ा करें, तकरीबन 50 मिनट की गुफ्तगु मेरी हो गई। एक बार जोर से अपने दोनों हाथों का फिजा में लहरा कर कहे या रसूल अल्लाह, और जोर से कहे या हबीब अल्लाह, हम तकरीरें सुनेंगे नहीं, तकरीरें सुनेंगे नहीं, कुछ सीखेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे? मैं तो न्यूज चैनल पे, टीवी चैनल पे जब किसी कहीं डिबेट होता है, उस डिबेट में जो मौलवी बैठता है मैं उसे धनवा गर्दारता हूँ। इस्लाम की तालीमात ले लेने के बाद न्यूज पे बैठता हूँ, एक एंकर इस्लाम के खिलाफ बोलती है, तुम वहां बैठकर 5,000 रुपए के लालच में इस्लाम के मरने वालों को जलील करता है, अपने आप को इस मुसलमानों का नुमाइंदा बनाकर पेश करता है, मगर तेरे पास सवाब नहीं बन पाता है। खुदा सलामत रखे असदुद्दीन ओवैसी को, जो चाहता है कि वो दुनिया के तमाम न्यूज चैनल को अगर कोई हक के साथ जवाब देने की ताकत रखता है तो वह हैदराबादी शेर है। पार्लियामेंट में अगर एक असर जाता है और न्यू दिल्ली के पार्लियामेंट में 345 सांसदों की छुट्टी करवा सकता है, ऐसे 10 MP अगर सांसद में चला जाए पूरी दुनिया के हमारा कहना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, अजमत कुरान, अल्लामा शाहकुत्तीन सकाफी साहब कुल्ला, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये है हमारा भारत जहाँ पे सारी चीजों की तालीमात दी जाती है। 5 साल 10 साल में पागल हो रहे हैं, हुकूमत कैसे की जाती है तुम्हें पता है? चलो हमारे फारूक की बारगाह में जब ईरान से कुछ लोग आए मदीना पहुंचे, कहा तुम्हारा सुल्तान कहा है, तुम्हारे सुल्तान से मुलाकात करना चाहते हैं, उसका महल कहा है, उसके महल को देखना चाहते हैं। दिल्ली के लोगों ने कहा सुनो ये मदीना है, मदीना यहाँ सुल्तान नहीं रहता, यहाँ बादशाह नहीं रहता, यहाँ लोगों का खादिम रहता है, यहाँ का बादशाह महलों में नहीं रहता, यहाँ का बादशाह झोपड़ी में रहा करता है। कहा मिलना चाहता हूँ, चलो मुलाकात करवाते हैं। ले गए हजरत उमर फारूक जो 4,000 मुरब्बा मील पर पूरी दुनिया में हुकूमत कर रहे हैं, 4,000 मुरब्बा मील पर जिसकी हुकूमत है। हजरत उमर फारूक सूखी जमीन पर खजूर के दरख्त के साए में ईंटे का तकिया बनाकर सूखी जमीन पर चैन की नींद सो रहे हैं। कहा ये अमीरुल मोमिनीन है, ये हमारा बादशाह है। ईरान से आए हुए लोगों ने कहा उमर का नाम सुनकर के ईरान कांपता है, उमर का नाम सुनकर के रूम कांपता है, उमर का नाम सुनकर पूरी दुनिया थरवाती है, मगर उमर यहाँ सोया हुआ है, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई गार्ड नहीं, इसका कोई मुहाफिज नहीं है, इसकी हिफाजत करने वाला कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, इसको चैन की नींद कैसे आ गई? दिल सुनी मदीने के लोगों ने जवाब दिया, कहा सुनो तुम्हारा सुल्तान गरीबों पर जुल्म करता है तो महलों में भी नींद नहीं आती है, मेरा सुल्तान गरीबों के साथ इंसाफ करता है तो सूखी जमीन पर खुदा चैन की नींद आता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे